माने हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पर हाँ आज ही मुस्कुराते रहिए कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है। आप सब जानते हैं कल इरफान खान जी का डेथ हो गया है, और यह सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का बात नहीं है, हम सबके लिए दुख का बात है। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन थी, क्योंकि जब से उनका पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम ऐसे सब मूवी आया है, अब मुझे इतना खराब लग रहा है। मैं सोच रही थी कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बातें करूंगी, तो मेरा भी मूड थोड़ा अच्छा होगा और फिर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आ गई। और अभी आ गई हूँ और किचन का काम भी करना है, वो तो बंद नहीं हो सकता है। मैं रात को कुछ काम ख़त्म करके ही सो जाती हूँ, और सुबह उठने के बाद रूम फ्लोर क्लीनिंग या फिर ऊपर का डस्टिंग जो भी रहता है वो सब करूँगी अभी, और नाश्ता बनाऊँगी। तो ज़्यादा देर आज हम लोग नहीं रह सकते हैं साथ साथ, तो हम लोग सुबह का मॉर्निंग का जो रूटीन है मेरा वो सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए अब मैं पहले अपने लिए चाय बनाऊँगी, अदरक वाली चाय ले लूँगी, फिर काम शुरू करूँगी।
मैं घर का सारा डस्टिंग क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग सब कर ली। अब मैं किचन में आ गई हूँ। मेरी बेटी का जो भी खिलौना रहता है या फिर जो सामान से वो खेलती है, छूती है या हम लोग छूते हैं, जैसे उसका खिलौना सब, उसका बारबी डॉल हाउस या फिर रिमोट्स या सेंटर टेबल, फ्लावर पॉट, जो जो भी रहता है घर पर, मैं मॉर्निंग में उठने के बाद वो सबको डेटॉल वाटर के साथ पोछ लेती हूँ, ताकि मेरी बेटी अक्सर वो सबको छूती रहती है, खेलती रहती है, तो सब सैनिटाइज हो जाए। और मैं बाकी के कमरा को भी इस तरह से पूरा सैनिटाइज कर देती हूँ, उसमें दो ढक्कन लगभग डेटॉल डाल देती हूँ और एक कपड़ा लेके पूरा निचोड़ने के बाद मैं उसको पोछा लगा लेती हूँ, तो मेरा क्लीन हो जाता है। अब मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता का प्रिपरेशन करूँगी। उससे पहले मैं अपना भी थोड़ा ख्याल रखूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम लोग अपना स्किन केयर नहीं कर। और आप लोग इस बात का नोटिस भी किए होंगे कि मैं स्किन में कुछ भी नहीं यूज करती। जब फंक्शंस में जाती हूँ तभी कुछ भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे घर पर कुछ भी यूज नहीं करती। सिर्फ प्लेन वाटर से ही मैं फेस को धोती हूँ, पर हर्बल का कुछ कुछ चीज है जो मैं लगाती हूँ। उसमें से आज मैं टिप एक टिप आपको दूंगी, जो मुझे तो बहुत फायदा होता है, आपको भी हो। तो आप देख सकते हैं मेरे मुंह में यहाँ पर एक पिंपल निकल आया है और यहाँ पर, और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गया है, तो मैं इसलिए टमाटो का यूज करती हूँ। मैं अक्सर मेरे स्किन पर टमाटो का ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर जो है वो काफ़ी फायदेमंद लगता है। टमाटर में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे स्किन से सनटैन और आपका डार्क सर्कल या फिर पिंपल, ऑयल स्किन, सबको सबसे राहत देता है। तो मैं इस हिसाब से टमाटो का यूज करती हूँ। आज मैं आपको टमाटो का बड़ा फ़ायदा दिखाऊंगी कि मुझे मेरे ऊपर क्या क्या असर होता है उसका। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का स्किन केयर। आधा टमाटो को यहाँ पर ली हूँ, क्योंकि अक्सर ये हम लोग के घर में अवेलेबल रहता है, हम लोग के किचन में रहता है, ये ऐसा नहीं कि किसी के किचन में नहीं रहता है, तो इसका यूज हम लोग हमेशा कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कटोरा में मैं एक चम्मच यहाँ चावल का आटा ली हूँ। आप शुगर का डस्ट भी ले सकते हैं, शुगर का डस्ट भी हम लोग को हेल्प करता है। ये चावल का आटा है जो हम लोग का फेस को ब्राइट करने में और स्क्रब का काम करता है, जो कि हम लोग का स्किन में जो भी डेड स्किन है वो, हम लोग का फेस में जो भी डेड स्किन है वो हट जाए। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोग एक छोटा सा बॉल में ले सकते हैं चावल का आटा या शुगर डस्ट। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे डुबा लेती हूँ और इस तरह से आप देख लीजिए, मैं इसको अपना पूरा फेस पे रगड़ रगड़ के लगाऊंगी, और इतना जोर भी नहीं रगड़ना है, हल्का हाथ से इसको रगड़ पूरा फेस पर मसाज करना है, और तब तक करना है जब तक कि हम लोग का टमाटो जो है वो ख़त्म ना हो जाए। मैं इसका असर आप लोग को कल दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं जो पिंपल है मेरा, ये कल आधा से ज़्यादा दब गया होगा। और एक चीज़, आप लोग टमाटो का और एक भी यूज कर सकते हैं, जब आप पार्टी वगैरह में जाते हैं, अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम लोग अपना स्किन का केयर नहीं ले पा रहे हैं, बाकी जब आप पार्टी वगैरह में जाते हैं, आपके स्किन में पिंपल निकल आया है, मान लीजिए आपको पार्टी जाना है दो चार दिन बाद, तो आप दो दिन पहले से ही अपना स्किन में रात को एक टमाटो लीजिए ऐसे आधा करके, और पूरी अच्छी तरह से स्किन में उसको लगा लीजिए, यानी पूरा फेस पे रात को सोते टाइम जब आप बेड में जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं मैं इसको पूरा फेस पर अप्लाई कर दी हूँ। मैं अब जब तक ये सूख रहा है मैं तब तक जाके ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा स्किन पहले से कितना ग्लो कर रहा है और ब्राइट लग रहा है और साथ में मुझे बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना केयर लीजिए और साथ में मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा टिप्स कैसा लगा। मैं नहाने भी नहीं गई हूँ और आपके सामने और एक बैड न्यूज़ लेके पहुँच गई। आप लोग शायद सुन के सॉफ्ट हो जाएं पर हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री का जो चॉकलेटी हीरो हैं ऋषि कपूर जी वो अब नहीं रहे। कुछ देर पहले ही यानी 8:45 में मॉर्निंग उनका डेथ हो गया। बहुत ही दुखद घटना है पर मैं आप लोग के साथ इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और मैं जानती हूँ आप सबको ही उतना ही ख़राब लग रहा होगा सुन के ये बात। पर ये बोल सकते हैं हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी लॉस चल रहा है क्योंकि हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर शायद ग्रहण लग गया है क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े सितारे खो रहे हैं। अब भगवान भरोसे सब स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें और हम लोग किसी और के लिए ऐसा सोच नहीं सकते हैं या फिर उम्मीद नहीं कर सकते। भगवान ना करे और ऐसा कुछ सुनने को मिले। भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे और हम सब की तरफ से उनको अश्रु श्रद्धांजलि।